वितरण का कार्यक्रम आज हम यहाँ कर रहे हैं। दिनेश सहारा फाउंडेशन के प्रमुख श्री दिनेश जी सहारा, इनको विनंती करता हूँ कि इन्होंने स्थानबद्ध होने की कृपा करें। भारत की आस्था का प्रतीक, भारत की आस्था का प्रतीक और सभ्यता की जो पहचान, उस गौ माता को आज हम चलो मिलकर करें गुणगान। आजादी के पहले क्रांति की तुम ही प्रेरणा स्रोत हो, फिर स्थापित हो गौ गंगा गौरी की महिमा, ऐसा महान हमारा राष्ट्र हो। जय हिंद, जय भारत और जय गौ माता। हमारे साथ में जो गांव के सब लोग हैं उनको अभिनंदन करता हूँ। हितेश जोशी जी हैं उनको अभिनंदन करता हूँ। मीरा जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने यहाँ के साथ कोई आयोजन संभव किया है। तो मेरी मान्यता है कि जो हिंदू वैदिक संस्कृति में हमें अध्ययन किया है कि भाई गाय की पाँव की दूध से भी हम यदि अपने को उसको अपने सर से धारण करें तो हम चारों जितने भी चारों धाम या तीर्थों से जो हमें पुण्य मिलता है तो पुण्य की हम प्राप्ति कर सकते हैं। मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गाँव में गाय को पाल सकते हैं। हम लोग जो बंदे ही रहते हैं तो गाय पालना अलाउड देने की जगह भी नहीं है, तो ये आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये जो गौ शक्ति अभियान हम लोग कई वर्षों से चला रहे हैं, हम गाय को पालने के लिए लोग या तो गौशाला बनाते हैं या जो गाय छटने जाती हैं उनको बचाते हैं, परंतु गाय का इलाज स्वास्थ्य का कई ध्यान नहीं रखते हैं और हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अभियान हम लोग का है, हम साउथ में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, इधर बनारस में कर रहे हैं, वृंदावन में भी कर रहे हैं। ये जो वस्तु गाय का स्वास्थ्य की रक्षा भी हम कर रहे हैं, उसको की बीमारी हो तो उसकी दवाई दें और उनको समझाएं कि कैसे रखा जाए। गाय तंदुरुस्त रहेगी तो बहुत जरूरी है हम उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जो गौ शक्ति अभियान है ये उसका एक ही मकसद है। और आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और गावत आए खूब आनंद कारण के आने की गाय दिखने बैल दिसले बकरी दिसले आणि महिलांचे ऑलरेडी वजन करून बसले होते। दिनेश सहाराजी उद्योगपती आहेत, त्यांचा काम त्यांचे उद्योग आमच्या भारतमध्ये आहे, त्याचे संकलन हे आध्यात्मिक आहे। त्याचे दोन ट्रस्ट आहेत, एक आहे श्री महावीर सहारा ट्रस्ट आणि दुसरा आहे दिनेश सहारा फाउंडेशन। आणि आम्ही नेहमी तुमच्या बरोबर काम करतो, तुमच्या साठी काम करत आहे। गांवों में लिखने से मातरम ऐसा वेदों में लिखा हुआ है कि गाय जगत की माता है। अगर ऐसे अपन सोचा जाए ग्रामीण उद्देश्य में कि आज की जो परिस्थिति है कि ऐसा पहले के वेदों में लिखा हुआ है कि किसी भी गांव की अगर स्थिति को देखना है, किसी घर की स्थिति को देखना है, किसी नगर की, किसी राष्ट्र की स्थिति को देखना है तो उसकी गाय का आप अवलोकन करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसकी स्थिति क्या है। यह कार्यक्रम म्हणजे संपलेली गोष्ट नव्हे। हा कार्यक्रम म्हणजे पुढच्या अत्यंत महत्त्वाच्या श्रृंखलेची चेन, जसे माणसांच्या तपासणी शिबिरामध्ये डॉक्टरांची भूमिका आहे, माणसांच्या डॉक्टरांची, तशीच जनावरांच्या, गुरांच्या, गोमातांच्या परीक्षणामध्ये या तज्ज्ञ मंडळींची आवश्यकता आहे।